जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल YouTube चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही अद्भुत वीडियो है। हमारे भगवान ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान बांके बिहारी लाल की एक बहुत ही अद्भुत कथा आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और अपने यार दोस्त मित्र रिश्तेदारों के साथ में, धर्म प्रेमियों के साथ में इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। बड़ी ही अद्भुत कहानी है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो सुबह सुबह जो पहली आरती होती है उसे मंगला आरती कहा जाता है। लगभग दुनिया के हर मंदिर में मंगला आरती की जाती है, लेकिन जो अनंत ब्रह्मांड के मालिक सर्वेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, हमारे ठाकुर जी बांके बिहारी जी, भगवान श्री कृष्ण भगवान जी, उनका मुख्य मंदिर जो है वो है वृंदावन में बांके बिहारी लाल का मंदिर। जी हाँ, बांके बिहारी मंदिर जो है वहाँ का मुख्य मंदिर है वृंदावन का। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती नहीं होती है। जी हाँ, आखिर ये मंगला आरती क्यों नहीं होती है, तो इसके पीछे जो कहानी है, जो किदवंतियाँ हैं, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो होता इस प्रकार से है कि एक बार एक ग्वाला था। वो ग्वाला ठाकुर जी का बहुत अनन्य भक्त था, ठाकुर जी के अलावा किसी और पर विश्वास नहीं करता था। तो वो ग्वाला ठाकुर जी के मंदिर के बाहर झाड़ू पोछा करता और भक्तों की सेवा करता, भगवान से बहुत बेहद प्रेम करता था, बेहद प्यार करता था, भगवान के दर्शन करता और वहीं पर जो भोग मिल जाता उसे खाकर वो तृप्त हो जाता। उसके इस कार्य को वहाँ के गोस्वामी जी लगातार देखते थे, लगातार। एक दिन गोस्वामी जी ने सोचा कि यार ये ग्वाला, ये भक्त कितने मन से सेवा करता है, इसे कुछ ठाकुर जी की सेवा में लगा दिया जाए तो अच्छा होगा। तो गोस्वामी जी ने उस ग्वाले से कहा, भाई इधर आओ, सुनो। ग्वाले ने कहा, हाँ महाराज बताइए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाई ऐसा है, गैया चराओगे? ग्वाले ने पूछा कि गैया, गैया किसकी है? गोस्वामी जी ने कहा कि ठाकुर जी की गैया। ग्वाले ने कहा, ठाकुर जी की गैया है तो फिर ठीक है, जरूर चराएंगे, क्यों नहीं चराएंगे, जरूर चराएंगे। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ठीक है, फिर कल से गैया ले जाना, उनको जंगल में ले जाना, चराना, वहीं तुम्हें दोपहर का भोजन भिजवा दिया जाएगा, शाम को यहीं पर लौट कर आना, फिर यहीं पर प्रसाद ग्रहण कर लेना, तुम्हारा खाने पीने की व्यवस्था भी सेट हो जाएगी। ग्वाला ये सुनकर बड़ा खुश हो गया कि ठाकुर जी की सेवा का मौका भी मिल गया और वहीं पर खाने पीने को भी मिल गया, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। ग्वाला बड़ा खुश, ठाकुर जी की गैया चराया करूँ, सुना है कि कभी कभी ठाकुर जी भी गैया चराने आ जाते हैं, तो हो सकता है कि कभी कृष्ण कन्हैया लाल जी से, ठाकुर जी से भी भेंट हो जाए। तो ग्वाला तैयार हो गया गैया चराने चला। अब एक दिन ग्वाला गैया चराते चराते दिन भर कृष्ण 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 बस यही जपता रहता था। एक दिन की बात है, उसे इंतजार था, मन में विश्वास था कि कभी ना कभी ठाकुर जी उसे दिखाई दे देंगे, गैया चराते आ जाएंगे। ग्वाले ने सुना हुआ था कि वृंदावन की भूमि गोकुल में, नंद गांव में, बरसाना में कहीं भी ठाकुर जी दिखाई दे जाते हैं भाई, और गैया चराने तो वो आते ही होंगे ना, कभी तो दिखाई देंगे, कभी तो टकराएंगे, ये तो रोज की दिनचर्या थी। तो रोजाना वो गैया को ले जाता, दिन भर गैया चराता, दोपहर में गोस्वामी जी उसके लिए भोजन भिजवा देते थे, भोजन प्राप्त करता, मंदिर आ जाता, शाम प्रसाद ग्रहण करता, सो जाता। अब एक दिन की बात है, हुआ यूं कि ग्वाले को गैया चराने गया, दोपहर हो गई, भूख लगने लग गई लेकिन भोजन नहीं आया। गैया चरा रहा था, बहुत भूख लग गई लेकिन कोई भी भोजन देने के लिए उस दिन आया नहीं। ग्वाले को बड़ा गुस्सा आया, बोला यार सुबह से भूखा हूँ, पर भूख जब लगती है तो व्यक्ति को क्रोध आ ही जाता है। तो ग्वाला क्रोध में बोला कि आज तो कोई भोजन देने नहीं आया, जाकर गोस्वामी जी से झगड़ा करूँगा, बोलूँगा उन्हें कि ये बात ठीक नहीं है भैया, सुबह से गैया चरा रहा हूँ, कितनी तेज़ धूप हो रही है, ज़ोर से भूख लगी है, कोई भोजन देने नहीं आया, आराम से गुत्थम गुत्था होऊंगा। गोस्वामी जी ने वचन दिया था कि दोपहर में भोजन पहुंच जाया करेगा और रोजाना आ भी रहा था भोजन, फिर आज क्यों नहीं पहुंचा? काफ़ी दुखी हुआ, बहुत क्रोधित हुआ। इतने में एक आवाज़ आई, ग्वाले भोजन ले लो। उसने आवाज़ की तरफ देखा कि ये आवाज़ किधर से आई। आवाज़ की तरफ वो गया तो देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन लाल मखमली कपड़े में भोजन बंधा हुआ रखा था। उसने वो कपड़ा खोला तो क्या देखता है कि आज तो भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन उस पोटली में था। अब ग्वाला शिकायत करना चाहता था लेकिन गोस्वामी जी का इतना सारा भोजन देखकर, भिन्न भिन्न प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन देखकर
उसका मन बदल गया, बोला मैं तो खामा खा क्रोधित हो रहा था, इतना सारा भोजन बनाया है, आज तो भोजन बनने में समय तो लगा होगा ना, इसलिए आज देरी से पहुंचा, चलो कोई नहीं। लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा कि आज ये भोजन लेकर कौन आया, पर आज ये कपड़ा भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। ग्वाले को शक हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज मेरे ठाकुर ही मुझे भोजन देने आ गए हो। आज गोस्वामी जी बहुत व्यस्त दिखाई दे रहे थे, वहाँ सब व्यस्त थे, हो सकता है कि कहीं ना कहीं मेरा कन्हैया मेरे ठाकुर मुझे भोजन देने आ गए। कौतूहल में वो इधर उधर देखने लगा। अब वो ग्वाला बहुत भोला था, ग्वाला जानता था, उसे विश्वास था, जब मन सरल होता है तो देखिए दोस्तों कुछ भी हो जाता है। उसका मन बहुत सरल था, उसके भाव बहुत सरल और सादे थे, सच्चे थे, और विश्वास से वह जानता था कि मेरा ठाकुर कभी भी आ सकता है, मेरा ठाकुर मुझे भोजन देने भी आ सकता है। तो ग्वाले को लगा कि कहीं ना कहीं आज ठाकुर ही मुझे भोजन देने आए हैं, और मैं तो साधारण सा हूँ, अब ठाकुर जी के पास तो बहुत सारा काम होगा, तो मुझे आवाज़ देकर चले गए भोजन देकर, और इसीलिए इतने सारे व्यंजन हैं, 56 भोग हैं। ग्वाले ने भरपूर भोजन किया, पेट भर के भोजन किया। शाम हुई, सारे बर्तन उसने समेटे, लाल मखमली कपड़े में बांधे और मंदिर पहुँच गया, सीधा गोस्वामी जी के पास। गोस्वामी जी से बोला, महाराज आज तो आप सब लोग व्यस्त होंगे और इसीलिए शायद कोई भोजन देने नहीं आया, लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है, आपको नहीं आना था तो मुझे सुबह ही बता देना चाहिए था कि आज भोजन देने कोई नहीं आएगा। ये अच्छी बात नहीं है कि मेरा ठाकुर मुझे भोजन देने के लिए आए, देखो ना ठाकुर जी खुद भोजन देने के लिए आए। गोस्वामी जी आँखें फाड़े हुए, आँखें खोले हुए उसे एकटक देखे जा रहे थे। ग्वाला बोले जा रहा था, गोस्वामी जी ने देखा कि लाल मखमली कपड़ा और ये बर्तन, ये सब तो ठाकुर जी के भोग के बर्तन हैं, और ये लाल मखमली कपड़ा तो ठाकुर जी का स्वयं का है, ये इस ग्वाले के पास कैसे आया? ये ग्वाला जो कह रहा है वो सच कह रहा है, सुबह ही ये सारे भोग हमने ठाकुर जी को लगाए थे। गोस्वामी जी ने उस ग्वाले से माफ़ी मांगी, कहा कि भाई गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, आज से आप गैया चराने मत जाइएगा, आप यहीं मंदिर में रुकिए, रात्रि में मंदिर के बाहर रुकिए, यहीं सेवा कीजिएगा, आपको यहीं प्रसाद ग्रहण करना है। गोस्वामी जी मन ही मन समझ गए कि ये ग्वाला कोई साधारण ग्वाला नहीं है, मैं इतने सालों से ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, ठाकुर जी ने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए, और इस तरह से एक साधारण से दिखने वाले ग्वाले को दर्शन दिए, इसे स्वयं भोजन देने के लिए चले गए, और आज तो एकादशी का दिन है, इसे कैसे बताऊं कि आज तो भोजन बनता ही नहीं, आज का दिन तो व्रत का दिन है, फिर भी इसके पास भोजन पहुंचा, क्योंकि भोजन तो ठाकुर जी का था, भोग ठाकुर जी के, और ठाकुर जी ने अपने हिस्से का भोजन, अपने हिस्से का भोग इस ग्वाले को दिया। गोस्वामी जी ने उसे झुक कर माफ़ी मांगी और चले गए। अब आज से इस ग्वाले को सेवा करनी थी रात्रि में मंदिर के बाहर खड़ा होना था। तो गोस्वामी जी ने कहा कि देखो ध्यान रखना, तुम्हें मंदिर के बाहर ही खड़े रहना है, रात्रि में पहरा देना है, कोई मंदिर के भीतर ना चला जाए, यही तुम्हें खड़े रहकर सेवा करनी है, यही पहरा देना है। ग्वाले ने कहा ठीक है भाई। अब आधी रात हुई, अर्धरात्रि हुई, जब आधी रात बीत गई तो मंदिर के भीतर से बांके बिहारी मोर मुकुट धारण करके मोटी मोटी आँखों वाले घुंघराले बालों वाले अनंत ब्रह्मांड में उनसे सुंदर कोई नहीं, उनका जैसा तेज किसी का नहीं, वो सर्वेश्वर है, वो परमेश्वर है, मंदिर के भीतर से बाहर निकल आए। ग्वाले ने देखा, अरे ये तो कन्हैया है, ये तो हमारे ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी मुस्कराए और जाने लगे। ग्वाले ने कहा भाई किधर जा रहे हो ठाकुर जी? ठाकुर जी ने कहा कि भाई ऐसा है, मेरा निधिवन जाने का समय हो गया है, तो मुझे निधिवन जाना है। ग्वाले ने कहा अरे ऐसा कोई नहीं जा सकता, गोस्वामी जी ने मुझे यहाँ पहरे पर बैठा रखा है, मुझे पहरा देना है। ठाकुर जी ने कहा अरे भाई मैं स्वयं बाके बिहारी, मेरा ही तो मंदिर है, मेरी तो जगह है, जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, किसकी रक्षा करोगे, किसका पहरा दोगे, मुझे जाना दो, निधिवन जाना है। ग्वाले ने कहा नहीं प्रभु, बहुत साल बीत गए, यहाँ की गलियाँ बदल चुकी है, माहौल बदल चुका है, कोई आपको देख लेगा, जब आप निधिवन जाओगे और वापस नहीं लौटे तो सुबह सुबह गोस्वामी जी आएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगा, और देखो मैं बहुत ईमानदार हूँ, ईमानदारी से सच्ची सेवा करता हूँ, और आपसे तो बेहद प्रेम करता हूँ,
इसलिए आइए, अंदर आइए, विश्राम कीजिए। यह आपका विश्राम का समय है। रात्रि में कोई घूमने जाता है क्या भला? आइए, जाइए, आप अंदर जाइए, विश्राम कीजिए। रात्रि हो गई है, आपके सोने का समय है, सबके सोने का समय है। सिर्फ मैं जागूंगा, मुझे यहाँ पहरा देना है। जाइए, सो जाइए। अब भक्त के इस तरह के आदेश को देखकर ठाकुर जी मुस्कुराने लगे कि यार कैसा भक्त है, देखो जाने भी नहीं दे रहा। अब ठाकुर जी तो बड़े चालाक, नटखट, कुछ भी कर सकते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा, ठीक है भाई, मैं तेरी बात तो मान लूँगा। तुझे इस बात का डर है कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, तो तू एक काम करना भाई, तू मेरे साथ निधिवन चल। जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो तू पहरा भी किस बात का देगा, चल मेरे साथ ही। ठाकुर जी ने ग्वाले को ऑफर डाल दिया। ग्वाले ने कहा, मैं भी चलूँ? ठाकुर जी ने कहा, हाँ हाँ चलो, तुम मेरे साथ निधिवन चलो, सुबह एक साथ वापस आ जाएंगे। अब ठाकुर जी ने भोले भाले ग्वाले को अपनी बातों में बहका दिया, उसको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। ग्वाले ने कहा, ठीक है भाई, बात तो आपकी सही है, जब आप यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर मंदिर में क्या, किसका पहरा लगाना, तो चलो मैं आपके साथ ही रहूँगा और आपको समय से वापस ले भी आऊँगा। तो ठाकुर जी के साथ में ग्वाला चल पड़ा निधिवन की तरफ। ठाकुर जी भी और ग्वाला भी दोनों टक 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 पहुँच गए निधिवन। तो निधिवन आज भी जो है, कहते हैं कि ठाकुर जी आज भी निधिवन आते हैं, ये रोज का नियम है उनका। तो आज भी साक्षात ठाकुर जी निधिवन जाते हैं, साक्षात निधिवन आते हैं, राधा रानी के संग, गोपियों के संग रास रचाते हैं। ठाकुर जी निधिवन पहुँच गए ग्वाले के साथ में। ग्वाला ने कहा कि ठीक है, अभी आप क्या करोगे? तो ठाकुर जी ने कहा कि देखो, तुम इधर ही बैठो, बाहर बैठो, तुम्हें मेरी पहरेदारी करनी है ना, तो तुम यहाँ मेरी पहरेदारी करो, मैं अंदर जाता हूँ, समय से पहले पहुँच जाऊँगा, चिंता मत करना। ठाकुर जी अंदर चले गए निधिवन में, ग्वाला इंतजार करने लगा। सुबह हो गई, सुबह के 4 बज गए। ग्वाले को लगा कि ठाकुर जी अब तक नहीं आए, तो जोर जोर से आवाज़ देने लगा, कन्हैया, हे कृष्ण, हे बांके बिहारी, हे ठाकुर, हे नंद के लाल, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, सुन रहे हो ना, बाहर आ जाओ, समय हो गया है, बाहर आ जाओ। जोर जोर से आवाज़ें देने लगा, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। अब ग्वाले को बड़ी चिंता होने लगी कि सुबह हो गई, गोस्वामी जी को क्या कहेंगे, पहला ही दिन था, सेवा में चूक हो गई, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा बेईमानी का लांछन मुझ पर क्यों, मैं तो ईमानदारी से अपनी सेवा कर रहा था, ये तो गलती ठाकुर जी की है, ठाकुर जी ने मुझे बहला फुसला कर यहाँ ले आए, अपने आप को समझा रहा था कि इतने में ठाकुर जी बाहर आ गए। ठाकुर जी ने बोला, क्या बात है भाई, क्यों आवाज़ें लगा रहे हो, क्या सोच रहे हो? ग्वाले ने कहा, प्रभु आप तो आए ही नहीं, पर आप नहीं आते तो दिक्कत हो जाती ना, आपको नहीं पता सब लोग क्या बोलते कि मेरी सेवा में चूक हो गई, ठाकुर जी बाहर निकल गए, मैं कोई बेईमान हूँ? नहीं ना, ईमानदार हूँ, सच्चा हूँ, तो मैं तो आपका सच्चा भक्त हूँ, आप पर भरपूर विश्वास करता हूँ, आप ही मेरे सर्वेसर, मुझे चिंता हो गई थी, वही सोच रहा था, अब फटाफट चलिए, जल्दी चलिए। ठाकुर जी ग्वाले के साथ वापस बांके बिहारी के मंदिर में आए और ठाकुर जी मंदिर के भीतर चले गए। ग्वाला बाहर खड़ा हो गया, भोला भाला ग्वाला, जिसे ये विश्वास होता कि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ हैं, उसके लिए इतनी बड़ी घटना भी साधारण हो जाती है, क्योंकि उसे हर समय भरोसा होता है कि मेरे ठाकुर, मेरे कृष्ण मेरे साथ हैं, उसके लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। तो ठाकुर जी आए चले गए, ठाकुर जी आए मुझे दर्शन देकर चले गए, क्योंकि वो जानता है कि ठाकुर जी हर पल मेरे साथ ही तो हैं। तो ग्वाले के साथ भी ऐसा ही हुआ, ग्वाले को हमेशा ये लगता था कि ठाकुर जी मेरे साथ खेल रहे हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए मिलते नहीं हैं, आज मिल गए ठाकुर जी, ग्वाला खुश था। इतने में लोग आने लग गए मंदिर की ओर, गोस्वामी जी आए लोगों के साथ में, मंगला आरती का समय हो गया। तो गोस्वामी जी ने ग्वाले को बोला कि भाई मंदिर खोलो। ग्वाले ने कहा, हाँ रुको, अभी रुक जाओ स्वामी जी, रुक जाओ। स्वामी जी को रोक दिया। ग्वाले ने कहा, नहीं नहीं रुकिए गोस्वामी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? बोले, क्या हुआ भाई? बोले, ये क्या कर रहे हैं? ग्वाले ने कहा, ये क्या कर रहे हैं, अभी मंदिर का दरवाज़ा मत खोलना। बोले, क्यों भाई, क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई, क्यों नहीं खोलना? ग्वाले ने कहा, भाई अब कैसे बताऊँ आपको, बस मान लो, ऐसे ही बोल रहा हूँ, मत खोलो। गोस्वामी जी ने कहा, नहीं भाई कुछ तो बात है, मैं बोल रहा है, ये बोल रहा है तो कुछ तो अनन्य भक्त है, कोई तो घटना हुई है, वरना ये ऐसे नहीं रोकता। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाई मंगला आरती का समय हो गया है, हमें ठाकुर जी की आरती करनी है, ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, इसलिए आप हटिए, हमें दरवाज़ा खोलने दीजिए। ग्वाले ने कहा, नहीं, दरवाज़ा खोलने से ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। दोनों के बीच में वाद विवाद होने लग गया, ठाकुर जी दरवाज़ा खोलने पर नाराज हो जाएंगे, भला ऐसा क्यों? तो ग्वाले ने कहा, भाई ऐसी बात है,
ठाकुर जी सारी रात रास नाचते रहे निधिवन गए, अर्धरात्रि में आए थे, मुझे बोले थे कि चलो यहाँ से निधिवन चलेंगे, मेरे साथ चलो, और जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो तुम किसका पहरा दोगे, किसकी सेवा करोगे, मेरे साथ चलो। मुझे ले गए निधिवन, और निधिवन जाकर मैं बाहर बैठा रहा, सारी रात रास रचाते रहे। सुबह मैंने बहुत आवाज़ें दी, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे बांके बिहारी, समय हो गया, बाहर आओ। बहुत सारी आवाज़ देने के बाद बाहर आए। अब सारी रात नृत्य किया, थक गए हैं, आराम तो करते नहीं हैं, अभी अभी मंदिर के भीतर गए हैं, थोड़ा विश्राम करने दीजिए, तभी ना आपकी आरती सुनेंगे ना, अभी सो रहे हैं तो क्या सुनेंगे, खाक सुनेंगे, थोड़ा विश्राम तो करने दीजिए, उनको थक गए होंगे, सारी रात रास किया है, नृत्य किया है, राधा जी के साथ में नृत्य किया है, गोपियों के साथ में नाचे हैं, अभी विश्राम करने दीजिए मेरे ठाकुर को, जब विश्राम कर लेंगे उसके बाद में आरती कर लीजिए, क्या क्या फर्क पड़ता है, अब नींद में तुम्हारी क्या आरती सुनने वाले हैं। ग्वालियर ने जब इस तरह से कहा तो गोस्वामी जी को लगा कि यार ये तो ठाकुर जी का अनन्य भक्त है, प्रिय भक्त है, जब ये कह रहा है तो हमें यहाँ शांत खड़े रहना चाहिए, ठाकुर जी को विश्राम करने देना चाहिए, और बस गोस्वामी जी और सारे लोग वहीं बैठ गए और अपनी अपनी भक्ति में लीन हो गए। ग्वाला भी कृष्ण 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 बोलने लगा। सुबह हो गई, दिन उग गया, सूर्य उदय हो गया। पुजारी जी ने, गोस्वामी जी ने पूछा, भाई अब तो जाग गए होंगे, ठाकुर जी धूप निकल आई है, अब तो निंद्रा पूरी हो गई होगी, जाने दीजिए अब तो। ग्वाला ने कहा, हाँ थोड़ी नींद तो पूरी हो गई होगी, विश्राम मिल गया होगा, ठीक है जाइए अब आरती कीजिए, दरवाज़ा खोलिए। गोस्वामी जी ने मंदिर का दरवाज़ा खोला, भीतर गए, और दोस्तों उस दिन के बाद में गोस्वामी जी ने मंगला आरती बंद कर दी, क्योंकि ग्वाले ने उसने बताया कि ठाकुर जी तो रोजाना ही जाते हैं, रोजाना थक जाते हैं, आप अनावश्यक उन्हें परेशान करते हैं। और दोस्तों उस दिन के बाद में आज के दिन तक बांके बिहारी के मंदिर में मंगला आरती नहीं होती है। वर्ष में केवल एक दिन ऐसा आता है जब मंगला आरती की जाती है, और वो दिन है ठाकुर जी के जन्म का दिन। जी हाँ, जन्माष्टमी का दिन, ठाकुर जी के जन्म का दिवस, इस दिन भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अवतरित हुए, उस दिन मंगला आरती की जाती है सुबह की, अन्यथा पूरे वर्ष 364 दिन भगवान श्री कृष्ण के बांके बिहारी अवतार के रूप में उनकी मंगला आरती नहीं की जाती है। ग्वाला के सच्चे भाव, क्योंकि वो सरल था, साधारण था, उसकी भक्ति में कपट नहीं था, वो अपने ईश्वर को हर समय अपने साथ में महसूस किया करता था। आज भी ये नियम है कि ठाकुर जी रात्रि में रास करते हैं, निधिवन जाते हैं, उसके बाद में आकर विश्राम करते हैं। जिस समय ग्वाला ने कहा था कि अब आरती कीजिए, उसी समय आरती होती है। दोस्तों जब हम ये विश्वास कर लेते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, ठाकुर हमारे साथ हैं, सर्वेश्वर हमारे साथ हैं, कण कण में विद्यमान हैं, तो भगवान स्वयं हर समय हमारे साथ रहते हैं, भगवान हर कण में विद्यमान हैं। बस आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, आपका विश्वास सच्चा होना चाहिए, आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए, और फिर देखिए ठाकुर जी आपके साथ कैसे बने रहते हैं। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अपने यार दोस्त मित्र रिश्तेदारों के साथ में इस कहानी को, इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।